हेलो दोस्तों, मैं शालू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। टाइटल पढ़कर आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ, कौन सा वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जी हाँ, आज मैं DIY एक फेस स्क्रब और एक फेस पैक DIY जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, उसके जो मतलब बेनिफिट्स हैं और ये सब हैं। तो आप सभी को पता है कि मतलब ठीक है, हम बाहर से जो प्रोडक्ट ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें परचेज की हुई हैं फेस के लिए, तो जैसे हमारे पास टाइम नहीं रहता है तब के लिए बाहर की चीज़ें जो है बेस्ट होती हैं, लेकिन जब हमारे पास टाइम है, हम घर में हैं, तो हमें DIY ज़्यादा ट्राई करना चाहिए। ये मैंने पहले भी वीडियो में कहा हुआ है, वो चीज़ें जो मैं हम बाहर से परचेज कर रहे हैं, बाहर के प्रोडक्ट हैं, वो हमें नेचुरली लेने हैं वो भी, लेकिन उसे भी हमें कम ही यूज़ करना है। जैसे हमें कहीं जाना हुआ, हमारे पास टाइम नहीं है, तो इंस्टेंट निखार पाने के लिए हमें उस प्रोडक्ट का यूज़ करना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर हमें अंदर से हेल्दी और फिर कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करनी है जो मतलब हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहता है, हमें मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहती, हमारे किचन से ही सारे प्रोडक्ट्स निकल कर आते हैं और वो भी इतने अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट निकल कर आते हैं जिसका रिजल्ट मतलब आप सभी देख सकते हैं जिसका रिजल्ट मतलब कैसा निकलता है। तो बस आयुर्वेद से रिलेट करते हैं, आयुर्वेद में भी वो चीज़ें हमें बताई गई हैं, बस हम उसे अब फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। हम बाहर से जो मंगाया हुआ रहता है, हमारे पास टाइम भी होता है तो हम वही लगाकर बैठ जाते हैं, कभी फ़ोन लेकर कभी कुछ लेकर। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने लिए टाइम निकालें। और हाँ, जब भी आप फ़ोन लेकर या फिर ऐसे भी बैठ रहे हो खाली समय में, तो आपको DIY ज़रूर ट्राई करना चाहिए, फिर वो हेयर के लिए हो, बॉडी के लिए हो, फेस के लिए हो, आपके लिए हो, जिसके लिए मतलब जिस भी चीज़ के लिए आप करना चाहते हो, प्लीज़ DIY करें। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट और बनाते हैं एक अच्छा सा DIY स्क्रब जो हमें अपने किचन में आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा, मतलब आसानी से हमें अपने किचन से ही मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है स्क्रब के लिए। इसमें सिर्फ 2 इन्ग्रीडियंट लगेगा और वो बिल्कुल ही आसानी से मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं स्क्रब के बारे में। सो दोस्तों, स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 टमाटर, और ये तो सबके घर में बहुत ही इजीली मिल जाएगा, और शुगर। बस इसी 2 चीज़ से ही हमें अपने फेस के लिए स्क्रब बनाने का अच्छा सा। तो टमाटर पर शुगर को रख कर, शक्कर को, उसके बाद कुछ इस तरीके से राउंड राउंड हल्के हाथों से हमें स्क्रब करना है अपने फेस पर पूरे 5 मिनट तक। उसके बाद फिर हमें धुल लेना है, और इसका बेनिफिट्स आप सभी देख सकते हैं ऐसे स्क्रब करने पे ही कितना दिख रहा है, और वॉश करने के बाद मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो 5 मिनट हो गए, और धुलने के बाद देखिए एक बहुत प्यारा सा ग्लो जो है चेहरे पर आप सभी को देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, स्क्रब करने के बाद हमें अपने फेस पर एक अच्छा सा फेस पैक ढूंढना पड़ता है, कौन सा फेस पैक लगाना चाहिए, हमें फेस पैक ज़रूर यूज़ करना चाहिए। फेस पैक क्या होता है ना, हमारे अंदर से जितने भी मतलब जितने भी स्किन के अंदर के डेड स्किन हैं, जितने भी मतलब वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये सब रहते हैं, तो उसमें वो सब रिमूव करने में, ख़त्म करने में हेल्प करता है। और जो अंदर से हमारी निखरी हुई त्वचा, जो अंदर से हमारी जो डेड स्किन के नीचे जो हमारी दबी त्वचा जो निखरी हुई रहती है, उसको बाहर उभारता है। तो चलिए एक अच्छा फेस पैक बनाते। तो अब हम बनाएंगे एक अच्छा सा फेस पैक। इसके लिए हमने लिया है चने का बेसन और 1/2 टेबल स्पून हल्दी। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं रखना है, आप अपनी क्वांटिटी में देख सकते हैं आपको कितना लेना है। और फिर हम लेंगे 1 चम्मच कर्ड, दही, और अगर दही ना हो तो आप नींबू भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है ये, और फिर शहद। और हमें इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक लेप तैयार कर लेना है अपने फेस के लिए एज अ फेस पैक, और बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। आप सभी प्लीज़ इसे लगाइए और ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, चैनल पर जो न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो हमें अपने उंगलियों की टिप्स से कुछ इस तरीके से फेस पैक को स्लोली लगा लेना है अपने हाथों से, और हमें नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ ऐसे करके लगाना है।
और फिर 20 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है, सूखने के बाद फिर हमें वॉश कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका रिजल्ट भी। तो कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट आया है और ऑसम लग रहा है, आप सभी भी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये रिजल्ट था मेरा जो मैंने बताया, और ये रिजल्ट है बाद में आप मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हो उसके बाद। और आप सभी देख सकते हैं पानी सूखने के बाद वेट, पहले वेट था, पानी सूखने के बाद कुछ ऐसा है। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी चमकती ही त्वचा हमारी हमारे हमारी खुद की रहती है। हम दूसरों का देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे यार इसकी मतलब इनके फेस पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इनका फेस तो अंदर से ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर आप सभी को भी ये ग्लो पाना है तो प्लीज़ DIY ज़्यादा ट्राई करें। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है DIY ज़्यादा ट्राई करें। बाहर की चीज़ें, पहली बात तो बाहर की चीज़ें बहुत कम परचेज करें, और जो भी परचेज कर रहे हैं उसका ध्यान रखें कि वो नेचुरल होना चाहिए। ज़्यादा कॉस्मेटिक चीज़ें हम यूज़ करके जो हैं अंदर से यूज़ करके जो हैं ग्लो नहीं पा सकते हैं। ज़्यादा करके हमें आयुर्वेद की तरफ ही देखना है। तो हमें ये देखना है कि वो प्रोडक्ट नेचुरल होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए हमारे फेस के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हेयर के लिए, जिसके लिए भी हम परचेज कर रहे हैं। तो चलिए, आई होप आप सभी को मेरा आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप सभी को तो पता ही है करनी है सिर्फ 3 चीज़ें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अब मैं लेती हूँ इजाज़त, अब मैं आप सभी से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।